धारा 370 का फैसला आते ही सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं लोग अपनी खुशी का इजहार करते हुए भी नजर आए। कहीं लोगों ने प्रसाद बांटा तो कहीं लोगों ने पटाखे चलाए। धारा 370 टूटने पर अलग अलग संस्थाओं के लोग भी अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। धारा 370 टूटने पर रणजीत सिंह भट्टी राष्ट्रीय सह मीडिया का क्या कहना है, सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो धारा 35A धारा 370 जो इनको हटाने का जो फैसला लिया, ये बड़ा सराहनीय फैसला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी फैसला लेते हैं वो सोच समझ के और कठोर फैसला लेते हैं। पूरे भारतवर्ष में जो हमें अलग से वहाँ पे झंडा था, अलग से उनका निर्णय था। अब ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी ने भी उस समय इस चीज़ का फैसला लिया था, मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी ये सपना स्वीकार हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, तो जो हमारे महापुरुष थे वो भी आज स्वर्ग में बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा निर्णय था और पूरा भारत, जब ये निर्णय आया तो पूरा भारत खुशी मना रहा था। और काफ़ी समय से माननीय प्रधानमंत्री के और निर्णय चल रहा था कि धारा 370 और 35A हटाया जाए और पूरे देश को फ़ायदा मिले। अब जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के लोग कहते थे, जिन पे लड़ाई झगड़े होते थे, वो आज हमारे देश के साथ है और अब हम ज़मीन वहाँ पे खरीद भी सकते हैं, वहाँ पे हम अपने देश का झंडा भी लहरा सकते हैं। और साथ साथ में हम वहाँ पे 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त को पूरे जम्मू कश्मीर में भी माननीय प्रधानमंत्री जी खुद जा रहे हैं झंडा लहराने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसे पहले हमारे योद्धा प्रधानमंत्री जी हुए हैं जिन्होंने गांव से लेके शहर तक पूरे भारत को कवर किया है। अच्छा मैनेजमेंट दिया है उन्होंने, अच्छी सड़कें दी हैं। और जो धारा हम सोच ही नहीं सकते थे, जो दूसरी पार्टियां कह रहे थे ऐसे कैसे हटा देंगे धारा ये, और जो इनके खिलाफ थी जो दूसरी पार्टी वो भी इनका साथ दे रही है, तो यही हमारे लिए खुशी की बात है। वहीं इस बारे में करनी सेना के सदस्य ठाकुर भगवत सिंह राठौर का क्या कहना है, ये भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के जननायक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान सफल हुआ है, क्योंकि आज काफ़ी 70 साल से जो मुद्दा चल रहा था कश्मीर के अंदर 370 और 35A हटाने का, वो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी एवं हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जो एक ऐतिहासिक फैसला आज किया है, उसने पूरे देश का सिर ऊंचा कर दिया है। और हम हमेशा ये हमारे प्रेरणा बने रहेंगे। और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश का सिर नहीं झुकने दिया, हम भी प्रण लेते हैं कि हम कभी मोदी जी का सिर नहीं झुकने देंगे। ये जो आज ये 370 का जो फैसला हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा जो दिग्गज फैसले लिए हैं उनमें अहम रोल प्रधानमंत्री जी का रहा है। और इससे आम जनता को, आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर कैसा त्योहारों जैसा माहौल बना हुआ था कि हमेशा मोदी जी ने देश हित की बात की है और देश हित के फैसले लेने में मोदी जी कभी हिचकिचाए नहीं है। उनके फैसले जो है उसमें आपने देखा होगा कि विपक्ष भी हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है, क्योंकि उनके फैसले देश हित के लिए ही होते हैं और किसी निजी स्वार्थ के लिए उनके फैसले कभी नहीं होते हैं।